स्टूडेंट्स, डीबीएमएस में हमारा आज का टॉपिक है इररिड्यूसिबल सेट ऑफ डिपेंडेंसीज या कॉनिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। देखते हैं, इस टॉपिक को समझने से पहले हमको एक वर्ड समझना ज़रूरी है, रिडंडेंट डिपेंडेंसी या रिडंडेंट डेटा। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हमारी किसी काम की नहीं है, उस डिपेंडेंसी को रिडंडेंट डिपेंडेंसी कहेंगे। उसको हमको रिड्यूस करना होता है, तो उसको हमको हटाना होता है। ये मेन काम होता है इररिड्यूसिबल सेट ऑफ डिपेंडेंसीज में। अब यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास WXYZ, ठीक है। ये चारों रिलेशंस के नाम है, मतलब टेबल के नाम है। तो एक्स डिटरमाइन डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड डिटरमाइन एक्स वाई, वाई डिटरमाइन डब्ल्यू एक्स जेड। अब ये हमारे पास ये तीन डिपेंडेंसीज दी गई है हमको। इन तीनों को हम डिकम्पोजिशन रूल लगा के हमने ऐसा ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रूल हमने पढ़ा हुआ है, आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स जो पढ़े थे वही है, उसी में एक था डिकम्पोजिशन रूल। अब यहाँ पे एक्स डिटरमाइंस डब्ल्यू, वो वैसे का वैसे रहेगा। डब्ल्यू जेड जब एक्स वाई दोनों को डिटरमाइन कर सकता है, तो वही चीज़ डब्ल्यू जेड डिटरमाइंस एक्स और डब्ल्यू जेड डिटरमाइंस वाई दोनों अलग अलग लिख सकते हैं हम। और वाई जब तीनों को डिटरमाइन कर सकता है, तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं हम, वाई डिटरमाइंस डब्ल्यू, वाई डिटरमाइंस एक्स और वाई डिटरमाइंस जेड। इस चीज़ को हम तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रूल, ठीक है। अब इसमें क्लोजर पढ़ा हुआ है हमने, क्लोजर क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्लोजर क्या होता है। अब वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। हम पहले सबसे पहले ये x है तो x का क्लोजर निकालेंगे, ठीक है। x के क्लोजर में क्या आता है, x से क्या क्या हम डिटरमाइन, x के क्लोजर में खुद x तो आएगा ही आएगा, और x से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। x से हम w को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे आएगा w, ठीक है। और x से w को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे wz तो है लेकिन हमारे पास सिर्फ w है ना, यहाँ पे z नहीं है। तो क्लोजर का रूल क्या बोलता है कि जब तक ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है, तब तक हम इधर वाले को कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x क्लोजर में x और w, और x और w से डिटरमाइन होने वाली चीज़ और यहाँ पे कोई नहीं है, तो x का क्लोजर सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार हमने क्लोजर निकाल लिया, तो हम उसी क्लोजर को दोबारा से निकालते हैं सेम इस लाइन को इग्नोर करके, ठीक है। मतलब अगर हम इस लाइन को इग्नोर कर दें और हम x का क्लोजर निकालना चाहें, तो हमारे पास आंसर क्या होगा। एक्स का क्लोजर निकालना चाहे तो इसमें कहीं पे भी ये फर्स्ट लाइन को इग्नोर करने से यहाँ कहीं पे भी एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स का क्लोजर सिर्फ एक्स होगा, मतलब एक्स क्लोजर तो एक्स कंफर्म होगा ही होगा, लेकिन हमको डब्ल्यू नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है जो एक्स डिटरमाइन कर रहा है डब्ल्यू को। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर चेंज मिला ना हमको। कहने का मतलब है कि जब तक हमने ये स्टेटमेंट को देख के क्लोजर निकाला, हमको कुछ और मिला, और अगर हमने इस स्टेटमेंट को इग्नोर करके क्लोजर निकाला, तो हमको कुछ और मिला। तो ये अगर डिफरेंट मिलता है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़, मतलब ये वाला पहला वाला डिपेंडेंसी या स्टेटमेंट एसेंशियल है, तो ये रिडंडेंट नहीं है, ये कंसिडर कर लेंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको डब्ल्यू जेड का क्लोजर निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू जेड का हमको क्लोजर निकालना है, इसके लिए क्या हो जाएगा क्लोजर, डब्ल्यू जेड डिटरमाइंस एक्स, नहीं डब्ल्यू जेड का क्लोजर है तो सबसे पहले डब्ल्यू जेड तो आएगा ही आएगा, मतलब डब्ल्यू जेड का क्लोजर है मतलब डब्ल्यू जेड को तो वो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। साथ ही में डब्ल्यू जेड एक्स को भी डिटरमाइन कर रहा है, डब्ल्यू जेड वाई को भी डिटरमाइन कर रहा है। अब तो ये चारों आ गए, ठीक है। तो डब्ल्यू जेड का जब हम क्लोजर निकालें, तो हमको चारों डिटरमाइन हो रहा है, ठीक। अब फिर से आप देखते हैं, जैसे कि हमने इस स्टेटमेंट को इग्नोर करके देखा था, वैसे ही हम ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट को भी इग्नोर करके देखते हैं, ठीक है। और एक बार और डब्ल्यू जेड का क्लोजर निकालते हैं सेकेंड वाला स्टेटमेंट को इग्नोर करके। मान लो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर हमारे पास नहीं है, तो हम देखते हैं डब्ल्यू जेड का क्लोजर है तो डब्ल्यू जेड तो उसमें आएगा ही आएगा। फिर और क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू जेड वाई को भी डिटरमाइन कर रहा है ना, तो हम वाई लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब वाई लिखे हैं तो वाई तो एक्स को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स भी आएगा। तो मतलब हमारे पास कुल मिला के चारों आ ही गए, है ना। तो कहने का मतलब है, जब हमने इस
लाइन को, इस वाले स्टेटमेंट को कंसिडर करके क्लोजर निकाला था तब भी वही आंसर मिला था हमको, और जब हमने इस वाली लाइन को इग्नोर करके, ये वाली डिपेंडेंसी को इग्नोर, सेकंड वाले को, सेकंड डिपेंडेंसी को इग्नोर करके जब हमने क्लोजर निकाला इसके बेसिस पे और बाकी रिलेशंस के बेसिस पे, मतलब बाकी डिपेंडेंसीज के बेसिस पे, तब भी हमको वही आंसर मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर ये था तब भी वही आंसर मिल रहा था, ये नहीं है तो भी वही आंसर मिल रहा है अपने को। तो फिर इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रिडंडेंट है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, कि इसके होने या नहीं होने से क्लोजर में या आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स वाई दिस इज रिडंडेंट। तो अब इसको हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। अब हमारे पास जितने डिपेंडेंसीज दिख रही है इसको हटाने के बाद सिर्फ इतनी ही अवेलेबल है, ये वाली डिपेंडेंसी हट गई। अब नेक्स्ट चीज़ डब्ल्यू जेड का क्लोजर कब निकाल लिया, वाई का क्लोजर निकालते हैं। वाई का तीन बार निकालेंगे क्योंकि तीन अलग अलग स्टेटमेंट में लिया, ठीक है। अब वाई का क्लोजर निकालते हैं तो वाई के क्लोजर में क्या निकलेगा, वाई किसको डिटरमाइन कर रहा है, डब्ल्यू को, सॉरी वाई का क्लोजर है तो वाई तो लिखेंगे लिखेंगे, अब उसके बाद डब्ल्यू को भी डिटरमाइन कर रहा है, और अब डब्ल्यू डब्ल्यू से डिटरमाइन होने वाला और कुछ यहाँ पे नहीं है, और वाई और किसको डिटरमाइन कर रहा है, एक्स को, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। अब वाई एक और चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है, जेड, जेड मतलब सारा आ जाएगा जिसको जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आखिर में चारों आ गए। अब फिर वही चीज़ है कि हम ये वाला रिलेशन को, मतलब सॉरी ये वाला डिपेंडेंसी जो है फोर्थ वाला, इसको हम फिर से इग्नोर करके ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं इग्नोर, फिर ट्राई करते हैं वाई का क्लोजर। तो इसको इग्नोर करके वाई का क्लोजर ट्राई करते हैं, तो वाई से क्या क्या डिटरमाइन हो रहा है, वाई से एक्स, वाई का क्लोजर है तो वाई खुद तो आएगा ही आएगा, वाई से एक्स डिटरमाइन हो रहा है, और एक्स, एक्स से क्या डिटरमाइन हो रहा है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी आएगा, और वाई से तो खुद जेड भी डिटरमाइन हो रहा है तो जेड भी आएगा। मतलब हमारे देखो क्लोजर में कोई फर्क नहीं आया, यहाँ पे भी वही आंसर आया था, यहाँ पे भी वही आंसर आया, मतलब इस लाइन को इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं आया हमारे वैल्यू में, मतलब हमारे क्लोजर के आंसर में, दैट्स वाई इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका होना और नहीं होना एक बराबर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस ये रिडंडेंट डेटा है, इसको हम कर सकते हैं रिड्यूस, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक बार और बचता है वाई का क्लोजर निकालना, अगर हम इसको रिमूव करके, अगर हम इसको इग्नोर करके निकालें तो क्या होगा, वाई का क्लोजर है तो वाई तो खुद आएगा ही आएगा, इस लाइन को हमने अभी इग्नोर किया हुआ है, फिर बचता कौन है, जेड बचता है बस। उसके अलावा जब हमने इस लाइन को इग्नोर किया तो हम एक्स तक पहुंच ही नहीं सकते और एक्स से डब्ल्यू तक नहीं पहुंच सकते, तो हमारे पास आंसर में आया ना फ़र्क इसीलिए फ़र्क आ गया आंसर में, मतलब ये लाइन असेंशियल है, इसके होने नहीं होने से फ़र्क पड़ता है आंसर में, ठीक है। अभी लास्ट वाली लाइन को देखें, इग्नोर करते एक बार लास्ट वाली लाइन को, अगर इग्नोर करते हैं हम तो वाई क्लोजर में क्या आ जाएगा, वाई खुद आएगा, उसमें एक्स आएगा और एक्स से डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा और एक्स से डब्ल्यू आएगा, लेकिन जेड नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके आंसर में भी फ़र्क पड़ा, ये जेड आना चाहिए था, इस वाई के क्लोजर में आया था तो यहाँ भी आना चाहिए था, मतलब ये भी असेंशियल है। कहने का मतलब है जिस डिपेंडेंसी के स्टेटमेंट को हम हटा दें और क्लोजर के आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े तो वो रिडंडेंट डेटा है, तो वो रिडंडेंट डेटा को हमको तुरंत हटा देना होता है, ठीक है। तो ये है इररिड्यूसिबल फॉर्म। तो फाइनली हमारे पास कितने रिलेशंस बचे, ये बचा, ये बचा, ये और ये। तो इसी चीज़ को जब हम फाइनल आंसर में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, जो हम लोग को कोनिकल फॉर्म में लिखना है, वो क्या आएगा, x डिटरमाइंस w, ये तो है, डब्ल्यू जेड डिटरमाइंस y, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये y डिटरमाइंस x और y डिटरमाइंस z, इन दोनों को फिर से यूनियन रूल लगा के कंबाइन कर दे तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। अच्छा, जब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है ना, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐसे दो वैल्यू वाले दो वैल्यूज होती हैं, दो एट्रीब्यूट वाली वैल्यू होती है, तो हमको क्या करना होता है, एक बार ये इसके लिए चेक करना होता है कि हम क्या करेंगे, डब्ल्यू जेड का क्लोजर हमको क्या मिला था, डब्ल्यू जेड का क्लोजर हमको यहाँ से मिला था चारों चीज़ें, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब मिला था। तो हम क्या करते हैं, एक बार डब्ल्यू का अलग से क्लोजर और एक बार जेड का अलग से क्लोजर निकाल के देख लेते हैं कि इन दोनों में से कोई सिंगल सिंगल रिडंडेंट तो नहीं है, जेड को हटाने की ज़रूरत तो नहीं है या डब्ल्यू को हटाने की ज़रूरत तो नहीं है, बस चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे डब्ल्यू का क्लोजर अगर हम देखें तो डब्ल्यू के क्लोजर में हम डब्ल्यू तो लिख ही सकते हैं,
ठीक है, लेकिन साथ में और क्या लिख सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे w में और कोई है क्या? नहीं है, तो फिर ये आंसर में फ़र्क आ गया, मतलब क्या है, z हमारे पास एसेंशियल है। वैसे ही यहाँ पे z का क्लोजर निकाले तो z तो लिख ही सकते हैं, z से कोई डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्या? z से किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब क्या, हमारे लिए w भी असेंशियल है। मतलब ये आंसर और ये आंसर में फ़र्क था इसलिए z असेंशियल है, और ये आंसर और ये आंसर में फ़र्क था इसलिए w असेंशियल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दोनों असेंशियल है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ओके, तो दिस इज नाउ कॉनिकल फॉर्म। थैंक यू।